नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में। ग्रुप थ्योरी की क्लास में आज हम ग्रुप होमोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज वो है कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप यानी कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमोर्फिक होता है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के। रिजल्ट इस प्रकार से है कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। एवरी इंफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। हमें एक असीमित चक्रीय ग्रुप यानी कि कोई इंफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अज्यूम करना है। हमने मान लिया जी कोई इंफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से इसका हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की इंटीजर पावर में लिखे जा सकते हैं। पूर्णांकों का योज्य ग्रुप होता है z प्लस। तो एक फंक्शन हमें डिफाइन करना है g से z पर और वो फंक्शन होना चाहिए 1-1 ऑन टू एंड होमोमोर्फिज्म, क्योंकि यहां हमें प्रूव करना है आइसोमोर्फिज्म यानी कि तुल्यकारिता। तो इस g के जो एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो इस टाइप के हैं a रेस टू द पावर n, n बिलोंग्स टू z, तो वैल्यू तो हम पुट करेंगे उसमें g यानी कि असीमित चक्रीय ग्रुप की। तो a रेस टू द पावर x टाइप के एलिमेंट होंगे और ये जो पावर होती है वो हमेशा पूर्णांकों से बिलोंग करती है, तो इसकी इमेज बन जाएगी पूर्णांक यानी कि x। तो इस प्रकार से डिफाइन होने वाले फंक्शन को हमें तुल्यकारिता प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ नोट कर लेते हैं। माना g असीमित चक्रीय ग्रुप है, लेट जी बी एन इंफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तथा जिसका जनक अवयव ए है और इस प्रकार है तो हम लिख सकते हैं अर्थात जी इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, या फिर उसको लिखा जा सकता है a रेज टू द पावर माइनस थ्री, a रेज टू द पावर माइनस टू, a रेज टू द पावर माइनस वन, a रेज टू द पावर जीरो हमेशा उस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, a रेज टू द पावर वन, a रेज टू द पावर टू, a रेज टू द पावर थ्री, डैश डैश सोन। इस तरह के एलिमेंट जी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेड प्लस पूर्णांकों का योज्य ग्रुप है। जेड प्लस इज एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, जहां हम ये जानते हैं कि जेड सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, डैश डैश सोन। अब हमें कोई फंक्शन, कोई प्रतिचित्रण जी से जेड पे डिफाइन करना है और उसे 1-1 ऑन टू होमोमोर्फिज्म यानी कि तुल्यकारिता प्रूव करना है। तो देखिए इससे आगे क्या करते हैं। नाउ वी डिफाइन ए ट्रांसफॉर्मेशन एफ फ्रॉम जी टू जेड। माना प्रतिचित्रण एफ जी से जेड में निम्न प्रकार परिभाषित है। एफ ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, क्योंकि जी के जो एलिमेंट है वो इस टाइप के हैं और ये जो पावर होती है वो हमेशा जेड में बिलोंग करती है, तो इक्वल में आ जाएगा एक्स।
और ये कंडीशन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें वन वन यानी कि एक एक की ऑन टू यानी आच्छादक होमोमॉर्फिज्म यानी कि समाकारिता प्रूफ करना है। एक एक के लिए हमेशा डोमेन ग्रुप के दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है और इस प्रकार से कि वो दोनों की इमेज इक्वल है और हमें प्रूफ करना पड़ता है कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो लेट ए रेज टू द पावर एक्स एंड ए रेज टू द पावर वाई बिलोंग्स टू जी, जी के कोई दो एलिमेंट मान लिए जहां ये पावर्स हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड होती हैं, यानी ये पूर्णांकों के सेट से बिलोंग करती हैं। ये दो एलिमेंट हमने इस प्रकार से अज्यूम कर लिए हैं कि इन दोनों की इमेज इक्वल है। सच दैट कि f ऑफ a रेज टू द पावर x इक्वल है f ऑफ a रेज टू द पावर y। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंक्शन f a रेज टू द पावर x का मान हो जाता है x और ये वैल्यू है y, दोनों एलिमेंट बराबर हैं तो इनको किसी एक एलिमेंट की पावर पे लगाने पर भी ये मान इक्वल आएगा। तो दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल थी, दोनों एलिमेंट भी इक्वल हैं, इसका मतलब f एक एक ही है, इट मींस f वन वन है। दूसरा होता है आच्छादक यानी कि ऑन टू। ऑन टू की परिभाषा ये होती है कि यहां के हर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज आगे डिफरेंट होने के बाद यहां के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन के अंदर, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट देना तो काम है वन वन का, और ऑन टू का काम है यहां के हर एलिमेंट्स की प्री इमेज को चेक करना। तो हमें पता है कि हर एक्स है वो ए रेज टू द पावर एक्स के संगत विद्यमान होगा क्योंकि यहां पर सेट है जी और यहां पर है जेड। तो अगर कोई एलिमेंट मान लेता हूं मैं यहां a रेज टू द पावर n, तो उसकी इमेज यहां n एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट a रेज टू द पावर x बिलोंग्स टू g सच दैट कि f ऑफ a रेज टू द पावर x बिलोंग्स टू x, यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सो f इज ऑन टू, अतः f आच्छादक है, अतः f आच्छादक है। लास्ट कंडीशन है इसको होमोमॉर्फिज्म चेक करना, जिसके लिए हमें दो एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। g के बाइनरी ऑपरेशन को आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि गिवन नहीं है, z में हमेशा प्लस होनी चाहिए दे रखा है। तो नेक्स्ट कंडीशन है होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता जिसके लिए हमें जी सेट के दो एलिमेंट लेने हैं, तो लेट ए रेज टू द पावर एक्स एंड ए रेज टू द पावर वाई बिलोंग्स टू जी, और यहां कराना है उनका संयोजन और उसका लेना होता है प्रतिबिंब। ठीक है, अब यहां कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रखा, डॉट लगा सकते हो या स्टार भी लगा सकते हो, और किसी अवयव के पूर्णांक घात से हम जानते हैं कि a रेज टू द पावर x स्टार a रेज टू द पावर y होने पर उसका मान हो जाता है a रेज टू द पावर x प्लस y ऑलवेज। अब फंक्शन की परिभाषा के अनुसार जो यहां a की पावर में होता है वो बाहर इमेज बन जाता है यानी कि x प्लस y। x मान होता है f ऑफ a रेज टू द पावर x का, y है f ऑफ a रेज टू द पावर y का। यहां वो दोनों एलिमेंट साथ आ रहे हैं उसके बाद में प्रतिबिंब लिया जा रहा है, यहां वो दोनों अलग अलग हैं बीच में संयोजन है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो f इज होमोमॉर्फिज्म, अतः f समाकारिता है। और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के कारण f g से z में आइसोमॉर्फिज्म है यानी कि तुल्यकारिता है। F तुल्यकारिता है तो वो दोनों ग्रुप आपस में तुल्यकारी कहलाते हैं, तो हम लिख सकते हैं G इज आइसोमॉर्फिक टू Z, जहां G क्या था इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और Z है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स,
तो हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। आइए देखते हैं ग्रुप होमोमोर्फिज्म की नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट है कि ग्रुपों के समूचे में तुल्यकारिता का संबंध तुल्यता संबंध होता है। यानी कि रिलेशन ऑफ आइसोमोर्फिज्म इज इक्वलेंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ग्रुप्स। मान लो आपको बहुत सारे ग्रुप दे रखे हैं और उनका कोई सेट है, उस सेट पर रिलेशन डिफाइन कर रखा है आइसोमोर्फिज्म। तो हमें यह प्रूफ करना है कि यह रिलेशन इन के ऊपर तुल्यता संबंध यानी कि रिलेशन ऑफ इक्वलेंस होता है। और रिलेशन ऑफ इक्वलेंस की डेफिनेशन से वह रिजल्ट स्वतुल्य, वो जो रिलेशन है वो स्वतुल्य होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक यानी कि सममित, और संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। अब इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। एक बार स्वतुल्य संबंध जो किसी ग्रुप से उसी ग्रुप पे डिफाइन हो और तुल्यकारिता के संबंध को डिफाइन कर रहा हो, तो इसका एग्जांपल होता है तत्समक प्रतिचित्रण, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रुप जी से जी पे ही डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि इस सेट के अंदर आपको ग्रुप्स दे रखे हैं इस प्रकार से, मान लो, ठीक है, और इस सेट के अंदर ये रिलेशन हमें डिफाइन करना है। मैंने एक ग्रुप ले लिया जी और उसके ऊपर डिफाइन कर दिया। तत्समक प्रतिचित्रण हमेशा वन वन ऑन टू होता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। और अब देख लेते हैं कि ये आईजी क्या होमोमोर्फिज्म है। तो होमोमोर्फिज्म के लिए हमेशा दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इस जी के दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी, इन दोनों को आईजी के अंदर एक साथ ले लेते हैं। तत्समक प्रतिचित्रण का अर्थ होता है उसमें कोई भी एलिमेंट पुट किया जाता है, बाहर भी वही एलिमेंट आ जाता है। अलग अलग देखें तो आईजी में अगर वन ए पुट किया जाता तो भी इमेज ए आती, और आईजी के अंदर बी पुट किया जाता तो इमेज भी बी आती। इसका मतलब तत्समक प्रतिचित्रण है वो स्वतुल्य संबंध हो गया, क्योंकि वो वन वन भी है, वो ऑन टू भी है, और वो होमोमोर्फिज्म भी है। तो आईजी क्या हो गई, एक तुल्यकारिता जी से जी पर। तो हम क्या कह सकते हैं, जी इज आइसोमोर्फिक टू जी। इसी प्रकार से जी डेस भी खुद से रिलेटेड होगा, जी डबल डेस भी खुद से रिलेटेड होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी समूचे का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए दिए गए संबंध के अनुसार। तो प्रत्येक ग्रुप अपने आप से संबंधित है, यानी कि स्वतुल्य संबंध यहां डिफाइन हो रहा है। सममित रिलेशन की बात करें यानी कि सिमेट्रिक, तो सबसे पहले तो ये मानते हैं इसमें कि कोई ग्रुप किसी ग्रुप से संबंधित है दिए गए संबंध के अनुसार यानी तुल्यकारिता के अनुसार। तो इसका मतलब हुआ एफ जी से जी डैश पर कोई तुल्यकारिता दे रखी है। अगर एफ जी से जी डैश पर तुल्यकारिता है तो एफ वन वन ऑन टू होमोमोर्फिज्म है, और वन वन ऑन टू फंक्शन अगर होता है तो फिर उसका इनवर्स भी हमेशा डिफाइन होता है, जो कि जी डैश से जी पे डिफाइन हो जाता है। क्योंकि यहां सेट है जी और यहां सेट है जी डैश, यहां से यहां कोई होमोमोर्फिज्म कोई आइसोमोर्फिज्म डिफाइन है एफ, तो फिर यहां से वापस कोई मैपिंग डिफाइन जरूर होगी एफ इनवर्स। और ये एफ इनवर्स वन वन ऑन टू होगी क्योंकि दिया हुआ फलन भी वन वन ऑन टू है। और अब चेक कर लेते हैं इसका होमोमोर्फिज्म की कंडीशन। तो होमोमोर्फिज्म के लिए यहां के कोई दो अवयव चाहिए, मैंने मान लिया ए डैश और बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश। अब क्योंकि ये जी डैश के एलिमेंट है और फंक्शन एफ क्या था, वन वन ऑन टू, तो जरूर से एफ ए का मान ए डैश होगा और एफ बी का मान बी डैश होगा, यानी इन दोनों अवयवों की संगत यहां कोई ना कोई अवयव विद्यमान होगा। इनको दूसरे शब्दों में भी देख सकते हैं अपन, इन दोनों रिजल्ट्स का मतलब है ए इक्वल टू एफ इनवर्स ए डैश एंड बी इक्वल टू एफ इनवर्स बी डैश।
अब देखना F इनवर्स के अंदर एलिमेंट पुट करने हैं दो, किसके? G डैश के। हमने पुट कर दिए A डैश और B डैश, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A डैश का मान है FA, B डैश का मान है FB, ठीक है। तो F इनवर्स FA FB। अब क्योंकि F होमोमोर्फिज्म है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है FAB। F इनवर्स F से संक्रिया करके आइडेंटिटी परम्यूटेशन बनाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बनाएगा। यहां आ गया AB, क्योंकि F इनवर्स F से संक्रिया करके उसने IG बना दिया, और इस तत्समक प्रतिचित्रण का मतलब है इमेज आएगी जो एलिमेंट इसके अंदर पुट किया गया है। अब A का मान तो कितना है? F इनवर्स A डैश। B का मान है F इनवर्स B डैश, यानी कि F इनवर्स A डैश B डैश का मान आ गया F इनवर्स A डैश डॉट F इनवर्स B डैश। यहां दोनों अवयवों का संयोजन था, उसका बाद में प्रतिबिंब लिया गया था, यहां प्रतिबिंबों का संयोजन हो रहा है। इसका मतलब सममित संबंध भी यहां डिफाइन हो रहा है, क्योंकि F इनवर्स 1-1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमोर्फिज्म भी है। तो F इनवर्स भी क्या हो गई? तुल्यकारिता। G तो G डैश की तुल्यकारी था ही, और हमने यह भी प्रूव कर दिया कि G डैश G के तुल्यकारी होगा, इसलिए यह रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद हमें चेक करना है संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें हमें मानना है कि दिए गए समूचे का कोई ग्रुप किसी ग्रुप के तुल्यकारी है और वो ग्रुप किसी अन्य ग्रुप के तुल्यकारी है। इसका मतलब ये मान लेना है जी जी डैश के और जी डैश जी डबल डैश के आइसोमोर्फिक है, और हमें यह प्रूफ करना है कि जी भी जी डबल डैश के आइसोमोर्फिक होगा। इसी रिलेशन का नाम है ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। अब जी जी डैश के ऊपर आइसोमोर्फिज्म है, तो इस प्रकार की कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी कि कोई फंक्शन जी से जी डैश के ऊपर आइसोमोर्फिज्म होगा। फिर जी डैश जो है वो जी डबल डैश के ऊपर क्या है? आइसोमोर्फिज्म। तो कोई नया फंक्शन हमने मान लिया जी, वह भी तुल्यकारिता है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि जी तुल्यकारी होगा जी डबल डैश के लिए। तो इसके लिए हमें करना होगा एक और कंपोजिट फंक्शन डिफाइन। तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए आपके पास फंक्शन होगा गोफ, जो कि एफ और जी का संयुक्त प्रतिचित्रण है। अब क्योंकि एफ और जी इंडिविजुअल तो 1-1 on 2 है, और दो 1-1 on 2 फंक्शन का कंपोजिट भी 1-1 on 2 होता है, तो गोफ एक एक ही आच्छादक है। अब हमें प्रूव करना है कि गोफ है वो फंक्शन होमोमोर्फिज्म भी होगा। तो इसके लिए गोफ के अंदर दो एलिमेंट पुट करेंगे, क्योंकि डिफाइन ये जी से जी डबल डैश पे हो रहा है, तो जी के दो एलिमेंट लेंगे हम। तो जी के दो एलिमेंट हमने मान लिए ए और बी, ठीक है। इंडिविजुअल छोड़ देते हैं एक एक पर, तो एफ ए बी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एफ जी से जी डैश पर समाकारिता है, तो इसका मान हो जाएगा एफ ए एफ बी। जी है वो जी डैश से जी डबल डैश पर है, ये दोनों एलिमेंट अंदर जी डबल डैश के आगे चले जाएंगे, तो इनका मान हो जाएगा जी एफ ए जी एफ बी, और मान हो जाएगा गोफ ए गोफ बी, ठीक है। और यहां थे वो दोनों एलिमेंट्स साथ में, तो यहां क्या हो रहा था? संयोजन, बाद में प्रतिबिंब था, और यहां प्रतिबिंबों का क्या हो रहा है? संयोजन। इसलिए ये गोफ भी क्या है? एक होमोमोर्फिज्म है, क्योंकि ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है, और ये होमोमोर्फिज्म भी हमने प्रूव कर दिया। तो गोफ एक तुल्यकारिता है, आइसोमोर्फिज्म है, और गोफ अगर तुल्यकारिता है तो ये जी जी डबल डैश के तुल्यकारी होगा, यानी हम कह सकते हैं जी इज आइसोमोर्फिक टू जी डबल डैश। तो रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन विद सी, ऐसी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। तो क्योंकि दिया गया संबंध आइसोमोर्फिज्म स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सममित यानी कि सिमेट्रिक है, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव है, इट मींस
ये दिया गया फंक्शन एक तुल्यता संबंध है, रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस है। इस प्रकार से हम इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स कि कोई फंक्शन है एफ, वो जी से जी के ऊपर डिफाइन है, इस प्रकार से कि उसमें x पुट किया जाता है और इमेज आ जाती है x इनवर्स। हमें यह प्रूफ करना है कि f है वो आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म कह सकते हैं आप, क्योंकि g से g पर डिफाइन है। देन f इज ऑटोमॉर्फिज्म। If and only if G is abelian, abelian कह सकते हैं, commutative कह सकते हैं, क्रमविन्मय कह सकते हैं। इस automorphism से मतलब है स्वकारिता, यानी कि G से G पर define होने के बाद वो one one भी है, on two भी है और homomorphism भी है, तब F को कहते हैं automorphism। तो पहले तो G को हम G के ऊपर F को automorphism मान लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं जी अबेलियन है, यानी इसका प्रूफ हमें देखना है किस प्रकार से होगा। तो हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, ये जो फंक्शन है ये ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। प्रूफ करना है जी इज अबेलियन। तो अबेलियन प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी। एफ के अंदर अगर ये एक्स वाई एलिमेंट पुट करेंगे तो f की परिभाषा के अनुसार इमेज बन जाएगी एक्स वाई का होल इनवर्स, और उत्क्रमण नियम यानी कि ट्रांसवर्स लॉ कहता है इसका मान हो जाएगा एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्डर बदल जाता है इसका, यानी ये वाई इनवर्स एक्स इनवर्स बन जाएगा, वाई इनवर्स का मान हो जाएगा एफ ऑफ वाई, एक्स इनवर्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, साथ में लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई एक्स, क्योंकि एफ होमोमोर्फिज्म है। इधर क्या चल रहा था, एफ ऑफ एक्स वाई, दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज f इक्वल दे रहा है, तो वन वन की परिभाषा से वो दोनों एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, यानी कि एक्स वाई बराबर है वाई एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू g, कारण है बिकॉज f इज वन वन, क्योंकि f वन वन है इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो f को ऑटोमॉर्फिज्म मानते हुए हमने प्रूव कर दिया कि g अबेलियन है। इसी प्रकार से अब g को अबेलियन लेते हुए हमें यह प्रूव करना है कि एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स एक ऑटोमॉर्फिज्म है। g हमारे पास क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। नाउ g को अबेलियन मान लिया हमने, f को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो पहली कंडीशन है वन वन। वन वन में जी के दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज इक्वल ली जाती है, यानी कि एफ एक्स बराबर एफ वाई मान लिया, कोई भी दो एलिमेंट हमने अज्यूम किए थे फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। प्रूफ करना है कि दोनों एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो एफ एक्स का मान हो जाएगा एक्स इनवर्स, एफ वाई हो जाएगा वाई इनवर्स। दोबारा से दोनों तरफ हम इनवर्स एलिमेंट ले लेते हैं, यहां आ गया y इनवर्स का होल इनवर्स, तो रिजल्ट आ जाएगा x इक्वल टू वाई। जब दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर है और वो एलिमेंट भी बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन है वो वन वन होगा। ऑन टू के लिए देखो, क्योंकि g ग्रुप है, प्रत्येक अवयव का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हर x इनवर्स के लिए x विद्यमान होगा और हर x के लिए x इनवर्स विद्यमान होगा। हम क्या कह सकते हैं, For all x belongs to G, there exists x inverse belongs to G। किस प्रकार से कि f में अगर आप x inverse put करोगे तो x inverse का whole inverse यानी कि x आ जाएगा,
और प्रत्येक अवयव के लिए इनवर्स विद्यमान होगा, ये कौन कहता है? ग्रुप की डेफिनेशन कहती है। सो एफ इज ऑन टू, अतः एफ के एक आच्छादक अवयव है। इसके आगे होमोमोर्फिज्म यानी कि लास्ट कंडीशन है, वो भी हम इस पे देख लेते हैं। होमोमोर्फिज्म, दो अवयवों की जरूरत है तो दो एलिमेंट हमने ले लिए एक्स और वाई जी के लिए, उसमें क्या लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू मैपिंग जो भी एलिमेंट पुट करते हैं उसका इनवर्स बाहर आता है, यानी कि एक्स वाई का होल इनवर्स। फिर से ट्रांसवर्स लो लगेगा तो वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, ये एलिमेंट भी जी का है और बराबर में मिल रही वो इमेज भी जी में ही विद्यमान है, और क्योंकि जी आबेलियन है मैं इस एलिमेंट को लिख सकता हूं एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, कारण है जी इज आबेलियन। सेकेंड पार्ट में हमें मानना है जी आबेलियन है। अब एक्स इनवर्स मान होता है एफ ऑफ एक्स का और वाई इनवर्स होता है एफ ऑफ वाई का, तो यहां से डिफाइन होता है कि एफ जो है वो होमोमोर्फिज्म भी है। सो एफ इज होमोमोर्फिज्म, एफ वन वन भी है, ऑन टू भी है, होमोमोर्फिज्म भी है, तो ये ऑटोमोर्फिज्म होगी। तो ये कंडीशन डिफाइन है कि अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स, तो वो एफ ऑटोमोर्फिज्म होगा अगर ये ग्रुप आबेलियन है, और ये अगर आबेलियन है तो इस प्रकार से डिफाइन होने वाला फंक्शन हमेशा ऑटोमोर्फिज्म यानी कि स्वकारिता होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम समाकारिता के गुणधर्मों को समझ सकते हैं। यहां हमारा होमोमोर्फिज्म का पार्ट होता है पूरा, आप इसे ढंग से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।